हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलके एड ऑन होके नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देते, उसे कॉम्बिनेशन बोल देते। अगला था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का ब्रेकिंग होता था और वो कंपाउंड या तो लाइट के वजह से ब्रेक हो सकता था, लाइट के एब्जॉर्प्शन से ब्रेक हो सकता था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से, इसे हम बोलते थे फोटो डीकम्पोजिशन। ठीक है, या तो हीट के एब्जॉर्प्शन से हो सकता था इसका ब्रेकिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जब हीट एब्जॉर्ब करता था तो डीकम्पोजिशन जो होता था उसका नाम था थर्मल डीकम्पोजिशन। और अगर इलेक्ट्रिक करंट से होता था, ठीक है, डीकम्पोजिशन, तो उसे हम बोलते थे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो तीन तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शन थे, फोटो डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां तक हमने पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर थ्री हमारा सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब शायद आप जानते होंगे, बखूबी इससे वाकिफ हूँ। मतलब क्लास में डिस्प्लेसमेंट होता रहता है, जब भी बातें करते हो तो टीचर क्या करता है, आता उठा के तुम्हें किसी लड़की के पास बैठा देता है। जो लड़के होते हैं बड़े मतलब दुखी हो जाते हैं, बहुत उनको दुख होने लगता है कि यार ये क्या हो गया, जैसे उनके साथ जुल्म कर दिया जाता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो वही डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ भी जुल्म किया जाता है। जो भी हायर एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, तो पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डेफिनेशन लिखेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक लोअर रिएक्टिविटी सीरीज का लोअर एलिमेंट हायर एलिमेंट से क्या कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कम रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाए, उसे हम बोलते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन आप सेवन्थ क्लास से पढ़ते हो, सेवन्थ में पढ़ा, एट्थ में पढ़ा, फिर नाइन्थ में भी पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, और टेंथ में पढ़ने वाले हो। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कॉपर सल्फेट, याद करो इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर, इसको हम बोलते हैं ब्लू एट्रियॉल। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी इसमें आयरन पास करो, मतलब इसको पानी में घोल दोगे क्रिस्टल को, जो भी ब्लू एट्रियॉल का क्रिस्टल वाटर में घोल दोगे, एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे, तो वो सॉल्यूशन में ब्लू कलर का मिलेगा। जब भी उसमें आयरन नेल डालोगे तो होगा क्या, इसका कलर चेंज हो जाता है, ये पहले तो फॉर्म कर लेगा ये, और इसका कलर एक्वस बनाएगा, इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, FeSO4 का एक्वस जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेपरेट हो जाए कौन, कॉपर, मतलब जो सॉल्यूशन तुमने लिया था, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब में तुमने लिया था, जब भी इसमें आयरन नेल डाल दोगे तो होगा क्या, ये कलर इसका हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ क्या कि आयरन जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कॉपर क्या है नीचे है, तो ऊपर वाला आयरन कॉपर को हटा के खुद लग गया। ठीक, ऐसे और रिएक्शन देखो,
ये है सिल्वर नाइट्रेट, इसमें डाला है हमने कॉपर, तो वो आ गया कॉपर, ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के नीचे आता है लेकिन ये एजी से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, आपको पता होगा हाइड्रोजन फिर क्या होता है, मरकरी, हाइड्रोजन कॉपर मरकरी फिर हाइड्रोजन के नीचे तो सी यू कॉपर एच जी ए जी ए यू सी यू सी यू एच जी ए जी ए यू ये नीचे होते हैं किससे मतलब हाइड्रोजन से, तो जो कॉपर होता है वो ऊपर होता है, एजी जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है, तो होगा क्या ये इसको हटा देगा और खुद लग जाएगा अब बन जाएगा और ये एजी बन जाएगा और ये होता है डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। आगे जब भी सोडियम सॉलिड को आप वाटर के अंदर डालते हो तो होता क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का और यहाँ पे रिलीज हो जाता है हाइड्रोजन गैस, और ये आपने पढ़ रखा है 8th क्लास में। क्या कभी भी किसी भी मेटल को किसी भी एसिड के अंदर या वाटर के अंदर डालते हो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और देखो ये रिएक्शन सोडियम को वाटर में डिजॉल्व करना होता क्या, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, जैसे ही पानी में डालते तुरंत आग लग जाता है आराम से, ठीक। और यही करते हैं कौन, जादूगर, क्या होता है इसको हमेशा आग ना लगे वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना आए इसलिए उसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, किसको, सोडियम और पोटेशियम को। तो होता क्या जादूगर जब भी निकालता है मिट्टी तेल से निकालेगा, हाथ में रहेगा मिट्टी तेल लगा जब तक नहीं करेगा, जैसे ही पानी के अंदर फेंकेगा तुरंत पानी से रिएक्ट करेगा और आग लग जाएगी, और यही आप लोग समझते हो जादू, ठीक है, जादू कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ साइंस होती है, ठीक, बस समझने का फेल है, लेकिन इसको अपने घर पे नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो पता लगा सोडियम लेके आए पानी में डाला आग लगी घर और सब जल गया, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा तो ये थी सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आगे इसके बाद देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, पहले इसको आप नोट कर लो। सो अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसा डिस्प्लेसमेंट था ऐसा ही डबल डिस्प्लेसमेंट, बस डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों एलिमेंट में अदला बदली हो जाएगा, एक का एटम दूसरे के एटम को डिस्प्लेस करेगा और दूसरा वाला पहले वाले को डिस्प्लेस करेगा, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखेंगे रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज, ऐसी रिएक्शन जिसमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज हो जाए, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें, उन्हें हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो कुछ भी लेना होता है तो आप मनी देते हो, जो भी होता है वो सामान आपको देता है, तो यहाँ भी एक्सचेंज का प्रोसेस हुआ कि आपने दिया उसने आपको दिया, ठीक है। ऐसे कभी कभी कपड़ा ले आते हो तो होता क्या, बहुत अच्छा आपको लगता है दुकान पर, लेकिन घर लाते बहुत बेकार लगने लगता है, घर वाला घर का कोई बोल दिया अरे बहुत बेकार लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आप जाते हैं एक्सचेंज करने, तो जो शॉपकीपर होता है अगर अच्छा है तो एक्सचेंज कर लेता है, अगर अच्छा नहीं तो बहुत कहने के बाद तब एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो वहाँ भी एक्सचेंज होता है, मतलब आप दूसरा जो ले गए वो देते हो और वो आपको दूसरा प्रोवाइड करा देता है, तो यहाँ भी क्या होगा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में क्या होगी, एक्सचेंजिंग होगी। देखो एग्जाम्पल कैसे, जैसे हमने लिया BaCl2 और यहाँ पे लिया Na2SO4, तो होगा क्या ये एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेंगे, कैसे एक्सचेंज कर देंगे, ये भी प्लस टू का होता है ये भी प्लस टू का होता है, तो BaSO4 और सोडियम क्लोराइड आपस में जुड़े, तो ये सोडियम इसके साथ लग गया, ये आला इसके साथ लग गया, ठीक है, तो ये भी क्या है एक्सचेंज रिएक्शन है, और ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है वाइट कलर की पीपीटी बनाता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो सब्सटेंस हो नीचे टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाए उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक।
तो ये पहला एग्जांपल। और एग्जांपल देखो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया और यहाँ पे हमने डाल दिया NaCl, ठीक है, यहाँ बन जाएगा AgCl, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ NaNO3, ये भी एक प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर का, वाइट PPT बन जाएगा। ये एरो नीचे का मतलब PPT नीचे बैठ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है सेकेंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखना। चलो और देखो रिएक्शन, चलो कॉपर सल्फेट ले लो और यहाँ से ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बन क्या जाएगा, यहाँ बन जाएगा COOH का होल ट्वाइस प्लस, यहाँ बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ये भी PPT होता है, डीप ब्लू कलर की PPT यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। इसका रिएक्शन करा दो AlCl3 NH4 का होल NH4OH का, ठीक है। तो होगा क्या, AlOH का होल थ्राइस और यहाँ बन जाएगा NH4Cl। तो देखो इसमें भी एक्सचेंज हुआ, ये Al इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया। अच्छा ये 3-4 का मतलब समझ रहे होगे आप, हाँ, जो भी चार्ज बैलेंस कर रहे हैं लोग, Al प्लस 3 का होता है यहाँ पर लगा दिया, -1 का होता है तो वन यहाँ कर दिया, ये प्लस 1 का होता है ये -1 का, तो खत्म हो गया। अब Al प्लस 3 का ही था, OH माइनस का था, ये हो गया, ये भी प्लस वन का होता है, ये माइनस वन का होता है, ठीक है। तो ये बात है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सो अभी हमने बात करी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, अभी देखो एक रिएक्शन और रह गई है जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ किताबों में देखने को मिलेगी आपको एक्टिविटी के तौर पे, जब भी किसी भी मेटल सल्फाइड हो या फिर बोले आयरन सल्फाइड को एग्जांपल के तौर पे ले लें, इसको जब भी डाइल्यूट H2SO4 में तुम डालोगे, ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसको जब भी क्या करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में डालेंगे, तो होता क्या है यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाता है और यहाँ पे गैस रिलीज हो जाती है H2S, ठीक है। तो फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट बोला बन जाता है FeSO4 और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और इसका जो स्मेल होता है ऑडियो स्मेल कैसा होता है, रॉटन एग लाइक, सड़े हुए अंडे जैसा, ऐसा गंध प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो याद रखेंगे जब भी कोई गैस जिसका स्मेल लिया और रॉटन एग लाइक, तो कौन सी गैस होगी, H2S होगी। जब भी किसी भी सल्फाइड को या फिर एग्जांपल ले लो कोई भी आयरन सल्फाइड को डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में डालोगे तो FeSO4 और H2S गैस रिलीज होगा। देखो यहाँ से एक कमाल की बात याद रखो, क्या एक फूल्स गोल्ड होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट को हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता रहता है इसका फॉर्मूला, क्या रहता है Fe S2, इसे बोलते हैं आयरन पाइराइट फूल्स गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड जैसा चमकता है, बिल्कुल सोने जैसा दिखेगा, लेकिन उसका जो डेंसिटी होता है कम होता है सोने से, ठीक है, और छूने में पता लग जाएगा, मतलब बहुत हल्का होता है, जैसे कोई सील्ड वुड आपने देखा हो, जो भी आपको मेटल्स मिलते हैं सील्ड मिलती है, जब भी आप कोई कॉम्पिटिशन देखते हो तो चमकता तो बिल्कुल सोने जैसा है, लेकिन वो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा होता है, तो कुछ और नहीं, क्या होता है आयरन पाइराइट होता है, तो चमक रहता है सोने जैसा, लेकिन लगता सोना है होता नहीं है, इसे हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड, मतलब मूर्खों का सोना होता है, ठीक है, मूर्ख बनाने वाला सोना भी समझ सकते हो। तो अगर आप नए नए प्रैक्टिशनर हो तो आपको कभी कोई आयरन पायरेट ला के दे देगा तो आपको लगेगा सोना मिल गया, बहुत बार जा रहे हैं रास्ते में पता लगा गिरा हुआ उठाया, आपको लगा सोना मिल गया, बड़े खुश थे, ले गए सुनार के पास, पता लगा बोल दिए तो
सोना नहीं है, आयरन पायरेट है। अच्छा हालांकि सुनार को भी नहीं पता आयरन पायरेट, बस वो एक सिंपल सा है, ये सोना नहीं है, बेकार रहे हैं ठीक है। लेकिन आप समझ जाना, वो अगर वो खास सोना नहीं है तो मतलब क्या है, आयरन पायरेट है, यानी कि फूल्स गोल्ड है ठीक। अब अगले रिएक्शन पे आते हैं, नंबर 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या होता है समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन एलिमिनेट रिमूव हो रहा हो, और रिडक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो। देखिए ऑक्सीडेशन का कहेंगे जब भी किसी भी एलिमेंट से क्या जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन, या फिर क्या रिमूव हो रहा हो, हाइड्रोजन, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कभी भी किसी से भी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो और हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे ठीक है। तो सिंपल से यहां लिख देंगे रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन निकल रहा हो ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी का जस्ट उल्टा कर दो, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगे। और आपका रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकल जाना कहलाएंगे रिडक्शन रिएक्शन ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मतलब जहां पे हाइड्रोजन और या फिर ऑक्सीजन का कोई भी अता पता ना हो, वहां कैसे पता लगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर किसी से भी किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, माइनस का मतलब निकल रहा होगा ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होगा या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, देखो एरो इधर जुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो मतलब रिडक्शन रिएक्शन, उसका रिडक्शन हो रहा है ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, ल्यूड एल फॉर लॉस ऑफ ई फॉर इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, और जी फॉर गेन ऑफ ई फॉर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा रिडक्शन ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना गेन होना रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन ठीक। अब एग्जांपल हम समझते हैं बेबी, देखो हमने क्या लिया, कार्बन लिया और इसने क्या किया ऑक्सीजन, तो ब्रेन में इसकी रिएक्शन कराई और क्या बन गया CO2। अब बताओ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमने क्या किया, नाइट्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस मिलाया, बन गया NH3। अब ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन ठीक है, सिंपल सा। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल है। अब आते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियस हो, साथ साथ हो, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन
इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो हुआ गया यहाँ पे बन गया कॉपर और यहाँ पे क्या रिमूव हो गया वाटर। तो अब देखो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। देखो कॉपर से क्या हुआ ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकला मतलब इसका हुआ रिडक्शन, ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े तो उसकी रिडक्शन कहते हैं रिडक्शन हुआ। अब आगे देखो इस हाइड्रोजन में क्या आके जुड़ गया ऑक्सीजन आके जुड़ गया, इसका क्या हुआ रिडक्शन ऑक्सीडेशन, अरे ऑक्सीजन जुड़ गया ना इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा एक बात और कि ये जो एलिमेंट दिए हैं रिएक्टिंग साइड इनका कुछ और भी नाम होता है, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ लेकिन इनका खुद का भी नाम होता है। क्या नाम आपने सुना होगा कि जो भी एल आई सी एजेंट्स होते हैं होता क्या है वो सबका बीमा करते हैं एल आई सी बीमा लेकिन खुद का कभी बीमा नहीं करते, उनके लिए अलग केस चलता है। ठीक है सेम यहाँ पे भी है, जो ये एलिमेंट्स हैं ये भी कोई एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। देखो ये खुद का रिडक्शन कर रहा है यानी कि बगल वाले का क्या कर रहा होगा ऑक्सीडेशन, अगर खुद के लिए दूसरा कोई केस खुद दूसरे का एल आई सी बीमा कर रहा है यानी कि खुद के लिए कुछ और होगा। ठीक है तो अगर ये इसका क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन और ये इसका क्या कर रहा है रिडक्शन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसने इसका इसका ऑक्सीजन खींच लिया तो ये कहलाया रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से समझिएगा ध्यान से, इसने मदद करी इसको ऑक्सीडाइज करने का ऑक्सीजन दे दिया तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने क्या किया इसका ऑक्सीजन खींच लिया मतलब इसको रिड्यूस करना चाहा ये तो वो कहलाया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है समझ आई बात पक्का, चलो करो आगे देखो। ये रिएक्शन देखो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन जल्दी पहचानो और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग। जिंक से ऑक्सीजन गया इसका हुआ रिडक्शन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा इसका हुआ ऑक्सीडेशन यानी कि इसका रिडक्शन हुआ तो मतलब ये खुद क्या रहा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ये खुद क्या रहा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। बोलवा रहे समझो आगे बढ़ते हैं MnO2 और इसमें हमने मिलाया था HCl, जब भी HCl मिलाओगे यहाँ बनेगा MnCl2 प्लस यहाँ पे Cl2 गैस निकलेगी और बनेगा वाटर। अब देखो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है जल्दी पहचानो MN में से ऑक्सीजन क्या हुआ निकल गया रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो यानी कि इसका क्या हुआ रिडक्शन। ठीक है और भी केसेस हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी घट रहा होगा प्लस फोर से प्लस टू में जाता है। ठीक अच्छा इसमें देखो इसमें हुआ क्या माइनस वन में था जीरो में गया इसका यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन, इसमें आके ऑक्सीजन जुड़ गया इस कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ा वो बन गया। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का साथ साथ यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ फिर ऑक्सीडेशन। इसमें पहचानो किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। अब देखो हुआ क्या हाइड्रोजन जाके इस सीएल के साथ जुड़ गया, ठीक है मतलब इससे हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया।
अब चाहे ऑक्सीजन के बेसिस पे देखो चाहे ऑक्सीजन के बेसिस पे देखो, और इस सीएल में हाइड्रोजन आके जुड़ गया, मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन दोनों साथ साथ हुआ, एक ही रिएक्शन में हुआ, इसलिए इसका एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक, तो ये बात थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके आगे दो टॉपिक और बचे हैं, एक कोरोजन बचा है, दूसरा बचा है तुम्हारा आपका डेंसिटी। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक अगले लेक्चर में कवर करेंगे और आपका चैप्टर कवर होगा। थैंक यू।